पहले तो सोनी के यूनिवर्स से वेनम एंड अब फॉक्स के यूनिवर्स से वुल्वरीन, दोनों ही मार्वल के मेन सिनेमेटिक यूनिवर्स में एंट्री ले चुके हैं। आई मीन वुल्वरीन की एंट्री होने वाली है बट वेनम की तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसा क्यों है कि मार्वल के थोड़े कैरेक्टर्स सोनी के पास है एंड थोड़े से कैरेक्टर्स फॉक्स के पास है, बट कब से एंड ऐसा क्यों था? तो अब ये कैरेक्टर्स वापस से मार्वल में आ रहे हैं, तो कैसे आएंगे इन मार्वल्स मेन सिनेमेटिक यूनिवर्स? लेट्स टेक अ लुक। बिफोर मार्वल स्टार्टेड देयर ओन स्टूडियो, दे गेव लाइसेंस ऑफ सम कैरेक्टर्स टू फॉक्स एंड सोनी, जैसे कि एक्समैन, वुल्वरीन, सिल्वर सर्फर, डेयरडेविल, इलेक्ट्रा एंड फैंटास्टिक फोर। तो इतने कैरेक्टर्स का लाइसेंस उन्होंने 20th सेंचुरी फॉक्स को दे रखा था। 20th सेंचुरी फॉक्स जब चाहे तब उन कैरेक्टर्स के ऊपर मूवी बना सकता है क्योंकि उनके राइट्स, दैट मीन्स उनके लाइसेंस उनके पास थे। एग्जैक्टली सेम इन 1999 मार्वल ने ये सेम चीज सोनी के साथ भी कर रखी थी, यानी मार्वल के सम ऑफ द कैरेक्टर्स के लाइसेंस यानी राइट्स सोनी पिक्चर्स के पास थे, जैसे कि वेनम, मॉर्बियस, मैडम वेब, एड्रियन टूम्स, दैट मींस वल्चर, स्पाइडर वुमन, सैंडमैन एंड स्पाइडरमैन। जिसके बाद सोनी पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज भी बनाई एंड टोबी मैग्वायर को लेकर स्पाइडरमैन की ट्रियोलॉजी भी बनाई। फिर 2015 में डिज्नी, मार्वल एंड सोनी के बीच एक और डील हुई जहाँ पे स्पाइडरमैन के राइट्स शेयर हुए, जिसके चलते सोनी एंड मार्वल दोनों ही स्पाइडरमैन की सोलो मूवी बना सकते हैं एंड डिज्नी को डील मिली कि वो स्पाइडरमैन की मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सोनी के पास तो सोलो स्पाइडरमैन की मूवी तो थी एंड देन नेक्स्ट इन 2016 मार्वल के लिए नए स्पाइडरमैन की एंट्री हुई, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की इन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एंड फिर उसके बाद स्पाइडरमैन की सोलो मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग, फार फ्रॉम होम एंड स्पाइडरमैन नो वे होम कंटिन्यूअसली मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में आती गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डील। दोनों ही यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को हमने एक साथ तो देख ही लिया। सोनी के स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की बात करें तो उस यूनिवर्स की मूवी है वेनम, वेनम 2, मॉर्बियस, मैडम वेब एंड क्रेवन द हंटर। वी नो की सीक्रेट वॉर्स में मार्वल के सभी कैरेक्टर्स को एक साथ में देखने वाले हैं, तो इन लोगों ने मार्वल के कैरेक्टर्स को मार्वल के मेन सिनेमेटिक यूनिवर्स में लाने का काम तो कब से स्टार्ट कर दिया है। हमने ऑलरेडी स्पाइडरमैन की बात की, फिर वेनम की बात करते हैं जिसकी भी ऑफिशियल एंट्री मार्वल के सिनेमेटिक यूनिवर्स में हो चुकी है, जिसको हमने वेनम के सेकंड पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। आई विल एक्सप्लेन इन एंडिंग सीन ऑफ वेनम लेट देयर बी कार्नेज, एडी ब्रॉक अपने यूनिवर्स में होता है एंड वहाँ टीवी देख रहा होता है, अचानक से कुछ होना स्टार्ट हो जाता है एंड वो कहीं और चला जाता है, आई थिंक इन मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स, क्योंकि उस इवेंट के बाद वहाँ का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। वहाँ पे जो टीवी में शो चल रहा होता है वो भी चेंज हो जाता है, उसकी जगह जे जोना जेमिसन का न्यूज चैनल चलने लगता है, द डेली ब्यूगल। तो शायद ये सभी चीजें तब हुई होगी जब डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल कास्ट कर रहे होंगे, तब एडी ब्रोक का वेनम भी इस यूनिवर्स में आ गया होगा क्योंकि वो भी तो स्पाइडरमैन को जानता था एंड जब मार्वल के सिनेमेटिक यूनिवर्स में नो वे होम का इवेंट हो रहा था तब एडी ब्रोक का वेनम भी वही था मार्वल के मेन सिनेमेटिक यूनिवर्स में, इसलिए तो वो वहाँ पे आयरन मैन एंड हल्क की बात कर रहा था। एंड देन जब नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से स्पेल कास्ट करते हैं तब वो उसी स्पेल से वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रांजिशन सीक्वेंस देखोगे वो एग्जैक्टली सेम है, जब स्पाइडरमैन एंड बाकी सब लोग अपने यूनिवर्स में जाते हैं एंड उसके साथ साथ वेनम अपने यूनिवर्स में जाता है, दोनों का ही ट्रांजिशन सीक्वेंस सेम था, बट उसी के ही दौरान वेनम का ये छोटा सा सिम्बियोट का पार्ट उसी यूनिवर्स में रह जाता है। सो इसी तरीके से मार्वल के मेन सिनेमेटिक यूनिवर्स में भी उन्होंने वेनम को भी सेटअप कर दिया एज अ विलन। तो आई थिंक वो लोग इस तरीके से मार्वल के मेन सिनेमेटिक यूनिवर्स में वेनम को सेटअप करने वाले थे, तो शायद इसीलिए ही अभी तक उन्होंने मार्वल यूनिवर्स में वेनम को सेटअप नहीं किया था। तो ऐसे धीरे धीरे करके सोनी के सभी कैरेक्टर्स को मार्वल के मेन सिनेमेटिक यूनिवर्स में ला रहे हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फॉक्स यूनिवर्स के बारे में कि कैसे वो फॉक्स यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेटअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर बी विद बी एंड मेन थिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।